एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है थर्ड पार्ट है, जहाँ दो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनल जेनिटेलिया जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले जो दो वीडियो थे हमने उसमें डिस्कस किया यूट्रस और वजाइना के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब या फिर आप बोल सकते हैं यूट्रिन ट्यूब के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और जो फंक्शंस है हमारे फैलोपियन ट्यूब के क्या होते हैं। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज या फिर नोन एज यूट्रिन ट्यूब्स। हम इसको यूट्रिन ट्यूब्स के नाम से भी बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सेल्फिंग्स के नाम पे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूट्रिन ट्यूब के बारे में आप फंक्शन बताइए या उसकी एनाटॉमी बताइए, तो दैट मीन्स वो फैलोपियन ट्यूब के बारे में ही बोल रहे हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फैलोपियन ट्यूब को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? यूट्रिन ट्यूब्स और सेल्फिंग्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, तो उसकी डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार से है। दे आर टॉर्ट्योर डक्ट विच कन्वे ओसाइट्स from the ovary to the uterus. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, तो जो हमारा यूट्रस होता है उसके इस तरीके से जो है दोनों तरफ पे पाया जाता है, यानी इस तरफ भी होता है जो ट्यूब्स है वो इस तरफ भी होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है या फिर डेफिनेशन है, दैट इज अ टॉर्टर डक्ट। टॉर्टर डक्ट यानी ये जो एक पैड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पैड स्ट्रक्चर, जो दोनों जगह यूट्रस है उसमें दोनों जगह पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन क्या रहता है? जो हमारे ओसाइट्स होते हैं उसे ओवरी से लेके वो क्या करता है? यूट्रस तक ले जाता है, जहां पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और आगे चल के वो वहां पे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है एज अ फीटस। तो जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये एक माध्यम है, ये एक ट्यूब है, एक ये पैड स्ट्रक्चर है, या इसे हम लोग टॉर्टर डक्ट भी कह सकते हैं, जो दोनों तरफ यूट्रस के जो है लिगामेंट्स के ऊपर सिचुएटेड रहता है, अगल बगल पाया जाता है, जिसका काम रहता है जो हमारे ओसाइट्स होते हैं, जो स्पर्म है वो इजेकुलेट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उनको लेके क्या करता है? ओवरी से यूट्रस तक लग जाता है, जहां पे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है, जो कि एक पैड स्ट्रक्चर है। जहां मैंने बताया कि जो लेंथ है इसकी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, जो कि यूट्रस से कहां से अराइज होती है? ये यूट्रस से अराइज होती है और ये ट्यूबल स्ट्रक्चर है जो लिगामेंट्स के ऊपर सिचुएटेड होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है हम बात करेंगे, उसका पार्ट है इंटरस्ट्रियल पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राम्यूरल भी इसे बोला जाता है। ये जो है कहाँ से होता है? जो यूट्रस के जो एंड्स होते हैं वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, वहीं से बना रहता है। इसका अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होता है? 1.25 सेंटीमीटर रहता है और उसका जो डायामीटर रहता है वो 1 mm ऑफ डायामीटर इसका रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर रहती है, जो यूट्रस से अराइज होता है। अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब्स हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरस्ट्रियल पार्ट, जिसे हम लोग इंट्राम्यूरल भी बोलते हैं, जो कि कहाँ से? जो यूट्रस का एंड होता है वहां से जो है इसका स्टार्ट होता है, वहां से ये जॉइंट रहता है, वहीं से इसकी जो है स्टार्ट होती है, जिसका सेंटीमीटर होता है 1.25 सेंटीमीटर और डायामीटर रहता है 1
mm diameter. अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं. जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस. तो जो हमारा यूट्रस है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें भी इस्थमस रहता है, वो भी उसमें रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये सेकेंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जो है इस्थमस इसमें भी पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट पार्ट होता है. इस्थमस क्या होता है? स्ट्रेट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. स्ट्रेट पार्ट रहता है फैलोपियन ट्यूब का, जिसका जो सेंटीमीटर कितना रहता है, 3 से 4 सेंटीमीटर तक इसकी जो है लंबाई रहती है, और इसका जो डायमीटर रहता है 2 mm रहता है. ये हमारा इस्थमस हुआ. थर्ड पार्ट हम देखते हैं एम्पुला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब का, क्योंकि ये एम्पुला वही पार्ट है जहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. सबको पता है कि फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ये कैरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, लेकिन एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन कैरी होता है, जहाँ पे प्रोसेस होता है, वो एम्पुला ऐसा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. जो हमारा एम्पुला है वो कितनी 5 सेंटीमीटर होती है लॉन्ग. अब हम बात करेंगे जो इसका फोर्थ पार्ट है इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम जो है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट माना गया है हमारा जो फैलोपियन ट्यूब के जो एक में पार्ट है वो सबसे क्या है, वाइडेस्ट पार्ट माना गया है, जिसकी जो हम लेंथ अगर देखते हैं तो कितनी रहती है 1.25 सेंटीमीटर. दिस इज अ वाइडेस्ट स्ट्रक्चर जिसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस रहते हैं. तो ये जो फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्राई. इसे हम लोग बोलते हैं फिम्ब्राई. ये जो है ओवेरियन जो हमारा पोल रहता है उससे कनेक्टेड होते हैं फिम्ब्राई. इसमें एक सबसे ज्यादा जो लॉन्ग कनेक्टेड होता है फिम्ब्राई, जो ओवरी से कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्राई. ओवेरियन फिम्ब्राई. तो ये थे हमारे चार पार्ट्स के बारे में, इंटरस्ट्राइल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट, इस्थमस जो कि एक स्ट्रेट पार्ट है, एम्पुला वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, एंड इनफंडिबुलम दैट इज द वाइडेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, एंड इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिम्ब्राई दैट इज अटैच्ड टू द ओवेरियन पोल एंड इट इज नोन एज ओवेरियन फिम्ब्राई. अब हम डिस्कस करेंगे जो 3 लेयर्स होती है फैलोपियन ट्यूब के बारे में. तो अब हम बात करेंगे 3 लेयर्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब. तो सबसे पहले जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, सीरस लेयर, या इसको हम लोग आउटरमोस्ट लेयर भी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब की, जो कि अटैच रहती है, अटैच हमारे पेरिटोनियम से. फिर सेकेंड जो लेयर है वो रहती है हमारी मस्कुलर लेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर. मिडिल लेयर ये क्या होती है, मिडिल लेयर. इसमें जो है 2 लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल, जो हमारी आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और जो इनर लेयर होती है वो सर्कुलर. इसमें कितनी 2 प्रकार की जो है लेयर पाई जाती है, जो आउटर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल में होती है, जो इनर होती है वो सर्कुलर. थर्ड हम इसमें देखते हैं म्यूकस जो है, थर्ड इसकी लेयर है म्यूकस, जिसे हम लोग इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं. अब हमारे जो म्यूकस है इसमें जो है 3 प्रकार के जो सेल्स है वो पाए जाते हैं. सबसे पहले जो सेल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम, जो कि क्या है, सिलिएटेड यानी ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम एक प्रकार का सेल है जो म्यूकस इनरमोस्ट लेयर में पाया जाता है. सेकेंड जो है सीक्रेटरी सेल्स, आप इसे बोल सकते हैं कि सीक्रेशन का काम करती है. और थर्ड जो पाया जाता है म्यूकस में जो है पैक सेल्स दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. तो ये था हमारा 3 सेल्स जो हमारे म्यूकस में पाया जाता है. तो जब हमारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वजाइना में क्या होता है, डिपॉजिट होना उनका स्टार्ट हो जाता है. जब वो यूट्रिन कैविटी में जो एंटर करते हैं तो मिलियंस ऑफ उससे पहले रहते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छे से सेल्स होते हैं अबाउट जो रहते हैं 300 to 500, जो कि क्या करते हैं ओवम तक
जो पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे जब वो एम्पुला पे पहुंचते तो वहां पर उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, फिर जायगोट जो है वापस हमारी यूट्रिन कैविटी में आ जाता है, ट्रांसफर होने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो फैलोपियन ट्यूब है उनके फंक्शंस क्या होंगे, सबसे पहले होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। सेकेंड होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जायगोट, यहाँ पे वो दोनों कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जायगोट। फिर हमारा जो थर्ड फंक्शन होगा क्या होगा, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, क्या इम्प्लांटेशन एट फंडस। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो है फंक्शन है हमारे फैलोपियन ट्यूब के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया सिलिएटेड जहाँ पे उसने ट्रांसपोर्टेशन किया, अब जो है इम्प्लांटेशन हो गया, एम्पुला पे फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया। अब सेक्रेटरी सेल्स में है तो इसमें क्या सीक्रेशन का काम हो रहा है, तो जो भी सब्सटेंस है वो क्या सीक्रेट करता है, मेनली यहाँ पर है हम देखते हैं सोडियम, ग्लूकोस, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड्स, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट। ये क्या हो रहा है, सीक्रेशन करता है हमारा फैलोपियन ट्यूब में जो है, सीक्रेशन का काम करते हैं ये सेल्स, जिससे जो है न्यूट्रिएंट जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी रहता है, तो उनको क्या है, न्यूट्रिएंट्स ओवम को प्रोवाइड हो सके। ये पैक सेल्स का भी, पैक सेल्स जो है जो थर्ड प्रकार का सेल टाइप है, ये हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट ओवम जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, और उसके बाद जो है ये सीक्रेशन होता है जिससे कि सारी जो न्यूट्रिशन जो है ओवम को जरूरत है उसकी ग्रोथ एंड उसके लिए डेवलपमेंट के लिए, उन सब को ये प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई इसको कहाँ से मिलती है, तो अगर ब्लड सप्लाई में हम सबसे पहले देखेंगे जो आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई इसको किससे मिलेगी, ऑब्वियसली सी बात है यूट्रिन आर्टरी से हमें मिलेगी, इट इज अटैच्ड टू बोथ द यूट्रस, यूट्रिन और ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, इन दोनों से इसे ब्लड सप्लाई मिलती है। उसके बाद अगर हम वेनस सप्लाई के बारे में बात करते हैं तो इसे मिलता है ओवेरियन आर्टरी से, ओवेरियन आर्टरी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने बात किया जो फैलोपियन ट्यूब है फोर टाइप्स में डिवाइडेड है, उसके फोर पार्ट्स होते हैं, जहाँ पे इंट्राम्यूरल एम्पुला जो है उसका पार्ट होता है, उसके बाद इन्फंटिबुलम रहता है, इस्थमस रहता है, फिर हमने लेयर्स डिस्कस करी सीरस मस्कुलर म्यूकस लेयर्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में जो कि काम करता है फैलोपियन ट्यूब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जैमेट जायगोट एंड इम्प्लांटेशन एट द फंडस, और सीक्रीट करता है सोडियम, ग्लूकोस, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट जो कि ओवम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी रहते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करता है कि उसका जो है प्रॉपर इम्प्लांटेशन होके उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, और जो उसका ब्लड सप्लाई है उसे किससे मिलता है, यूट्रिन आर्टरी से, और वेनस सप्लाई फ्रॉम ओवेरियन आर्टरी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।